नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। तो मान लीजिए आपको उपचार कराने जाना है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी, ors.gov.in। आप सीधा गूगल में सर्च कर देंगे ORS पेशेंट पोर्टल, एक मिनट, ORS पेशेंट पोर्टल। तो आपको जो है ये वेबसाइट मिल जाएगी, आपको पहले ही इसका लिंक आ जाएगा, ors.gov.in। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए बुक अपॉइंटमेंट नाउ करके आएगा, तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपना। कुछ भी आपको बीमारी हो गई दिखाना है उसको तो। और ये अभी कुछ ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जैसे दिल्ली में या कुछ और जगह पे जो है कि इसकी सुविधा उपलब्ध है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसके बाद में यहाँ पे देखिए आप दो तरह से बुक कर सकते हैं। एक तो आपके पास में आधार है तो आधार से आसानी से आपका काम हो जाएगा। आधार नहीं है तो आपको जो है कि फिजिकली आपको यहाँ से अप्लाई करने के बाद वहाँ पे हॉस्पिटल के काउंटर से जो है कि आपको ओपीडी कार्ड जो है कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग योर मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको एक कोड जाएगा। वो कोड एंटर करेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई हो जाने के बाद में आपको अगला ऑप्शन आएगा आपके पास में कि आई हैव आधार, आई डोंट हैव आधार, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेशेंट। तो अगर आपके पास में आधार है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आधार नहीं है तो आपको एक मैसेज अपीयर होगा इस तरह से, ors.gov.in से पेशेंट विदाउट आधार वुड नीड टू कलेक्ट ओपीडी कार्ड एट द हॉस्पिटल काउंटर। तो आपके पास में आधार नहीं है तो आपको ओपीडी कार्ड हॉस्पिटल से कलेक्ट करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बाई पेइंग रजिस्ट्रेशन फी। तो रजिस्ट्रेशन फी पे करके आपको वहां से ओपीडी कार्ड लेना पड़ेगा। और अगर आप आधार है तो आप ऑनलाइन ये सब काम कर सकते हैं। तो नीचे में आपके और ऑप्शन आ रहा है, देखिए व्यू प्रिंट पे कैंसिल अपॉइंटमेंट। तो जितना भी अपॉइंटमेंट फी होगी आप पे कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आधार होने का ये फायदा है कि आपको जो है कि काउंटर पे, ओपीडी काउंटर पे आपको विजिट नहीं करना है, आप डायरेक्टली आप डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट के दिन जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद में हॉस्पिटल सेलेक्ट करना होगा, अगर मान लीजिए एम्स में जाना है तो आपको एम्स दिल्ली। उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट अगर कुछ लोगों को नहीं पता रहता है कि कौन सी बीमारी का कौन सा डिपार्टमेंट होता है तो आप पूछ सकते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे हॉस्पिटल चूज करने के बाद में आगे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने चूज कर लिया एम्स, एम्स में मुझे ENT डिपार्टमेंट दिखाना है। तो उसके बाद में आगे फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जनवरी 2018 के लिए कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे अगला मंथ एक महीना आगे अगर हम करेंगे तो फरवरी में, देखिए फरवरी में हमारा दिखा रहा है कि अवेलेबल है, 4 तारीख में इतना अवेलेबल है, 5 तारीख में, 6 तारीख में, ये सब करके। तो यहाँ पे जिस तारीख में, अगर जैसे मान लीजिए आपको 16 में, एक मिनट, 12 तारीख में अगर आप अपॉइंटमेंट चाहिए तो 12 पे क्लिक करके और उस पर फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा आपका प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको अपना पेशेंट नेम डालना पड़ेगा, पिताजी का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पिन, सारी डिटेल्स वगैरह भर के आपको जो है रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन फी लग रहा हो तो वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा। पे करने के बाद में आप प्रिंट करके अपॉइंटमेंट के दिन आप जो है विजिट कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है। और अगर मान लीजिए आपने आधार के बिना जो है रजिस्ट्रेशन किया तो आपको ओपीडी कार्ड से अपना, सॉरी, काउंटर से जो है कि अपना ओपीडी कार्ड कलेक्ट करना होगा, तब जाके आप जो है कि अपना मरीज को या पेशेंट जो कोई भी उसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है ORS पेशेंट पोर्टल के जरिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो काफ़ी सिंपल स्टेप रहा ये सारी चीज़ें, आप इस सुविधा का लाभ उठाइए क्योंकि इससे आपको काफ़ी, आपका समय बचेगा लाइन लगाने में और
और भी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, आपको रिपोर्ट वगैरह जो लेना होगा सारी चीजें आपको मोबाइल पे या ऑनलाइन मिल जाएंगी। सिर्फ 5 स्टेप में है, वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग मोबाइल, चूज हॉस्पिटल, सेलेक्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग आधार नंबर, गेट कन्फर्मेशन। इसमें सारी चीजें आपको जो है ऑनलाइन हो जाएंगी यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।